हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जग्गीज गुड टाइम्स एंड दिस इज़ द थर्ड व्लॉग ऑफ पैंगोट सीरीज। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं रूफटॉप कॉटेजेस। दो रास्ते हैं ऊपर जाने के, एक स्लोप का है फॉर द व्हीलचेयर एक्सेस एंड स्टेयर्स। गाइस, तो अब बात करते हैं रूफटॉप कॉटेजेस कैसे पहुंचा जाए। ये नैनीताल के ऊपर है और नैनीताल से करीब 20 किलोमीटर और ज़्यादा ऊपर है। द ओनली ड्रॉबैक इज लास्ट के अराउंड 4-5 किलोमीटर्स का रोड बहुत ख़राब है, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद रियलाइज़ होता है कि हमने अच्छा ही किया यहाँ आ गए, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल है यहाँ से, इतना खूबसूरत है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। गाइज, यहाँ पे इन्होंने छोटा सा प्ले एरिया भी बनाया हुआ है ताकि बच्चे बिजी रहें और खुश रहें। और गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरान यहाँ पे आके बहुत खुश है और वो स्लाइड्स छोड़ना ही नहीं चाहता। I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof off. I'm too honest when I take a few shots. Guys, इनका रेस्टोरेंट एंड रिसेप्शन साथ में है, so this is the reception area. यहाँ पे और साथ में वो है रेस्टोरेंट, और यहाँ पे सेटिंग बहुत अच्छी है, सब कुछ वुड का काम किया हुआ है। एंड ऊपर जाके भी इनका एक काफ़ी बड़ा हॉल है बड़ी गैदरिंग के लिए। यहाँ पे आपका ब्रेकफास्ट एंड डिनर सर्व होता है। गाइस, यहाँ पे कार पार्किंग की एम्पल स्पेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आउटडोर सिटिंग एरिया है ऊपर, और इन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है गार्डन एरिया। और इवनिंग में यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है विद द सच अ गुड व्यू। और आप यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत धूप भी है तो अम्ब्रेला प्रोवाइड किया हुआ है। और हमने सबसे लास्ट वाला कॉटेज लिया है, बिल्कुल एंड में है, और वहाँ पे सनसेट का व्यू बहुत ही अच्छा आता है। गाइज, अब रूफटॉप कॉटेज जब भी आओ, प्रॉपर्टी के बाहर ही एक आंटी की कुटिया है और वो पकोड़े और चाय बहुत ही टेस्टी बनाती है, और अगर आप चाहो तो उनसे चिकन भी बनवा सकते हो। तो गाइज, ये बिल्कुल फिल्मों की तरह कुटिया बनाई हुई है, बांस की और घास की। और एक दिन पहले यहाँ बहुत आंधी आई थी और ये बस तस से मस नहीं हुई, ये डटी रही। बहुत स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बनवाया है आंटी ने, और ये आंटी पकौड़े बनाने की तैयारी कर रही है, तेल गरम कर रही है, और दिखाता हूँ मैं आपको वो पकौड़े कैसे बना रही है।
गाइस, ये पकोड़े आंटी के हाथ के बने हुए बहुत ही लजीज लग रहे हैं। ध्यान रहे आपके मुंह में पानी ना आ जाए। आप दो ना, आप दो ना। और गाइस, यहाँ से भी बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है रूफटॉप कॉटेज का। बहुत ही लग्जरी है और बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है इन्होंने, और यहाँ पे बहुत ही सुकून है। गाइज, ये है शाम का नज़ारा। कॉटेज की ब्यूटीफुल लाइट्स ऑन हो गई है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। इट्स सो पीसफुल। गाइस, ये हमने खाना पैक करवा लिया था होटल से, और यहाँ पे हम खाना गरम कर रहे हैं अपने पोर्टेबल स्टोव में जो हम कैरी करते हैं, क्योंकि खाना ठंडा हो गया था और हम काफ़ी लेट खाना खाना पसंद करते हैं। गाइस, जो आपको इतनी रोशनी दिख रही है सेकेंड रूम में, वो डायरेक्ट सनलाइट आ रही है ऊपर से। गाइस, मैं आपको एंट्रेंस रूम का बेडरूम दिखाता हूँ। ये स्टार्टिंग में सोफ़ा कम बेड है, और यहाँ पे चेयर्स लगी हुई थी। यहाँ पे एलईडी लाइट्स बहुत सुंदर लग रही हैं। और यहाँ पे देखिए, वुडन का सारा काम किया हुआ है, बहुत अच्छा फ्रेम बनाया हुआ है। वुड है सर, हर एक चीज़ वुड की है, क्योंकि बहुत ही अच्छा और बहुत ही पीसफुल और बहुत ही मेंटेन कर रखा है इन्होंने। गाइस, दिस इज़ द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बफे। मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। दिस इज़ द वाइट सॉस पास्ता, एंड द नेक्स्ट वन इज दिस इज़ इडली, दिस इज़ सांबर, एंड नेक्स्ट यहाँ पे आप मफिन्स देख सकते हैं। यहाँ पे टी, मिल्क, और मिल्क के साथ कॉर्नफ्लेक्स। यहाँ पे ब्रेड टोस्ट कर सकते हैं आप, जैम है, बटर है, ऑरेंजेस हैं, मफिन्स आर देयर, और ये चटनी है नारियल की सांभर और इडली के साथ खाने के लिए। और आप पराठास भी ऑर्डर कर सकते हैं और ऑमलेट भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऑमलेट आपको दिख रहा है, ये कॉफ़ी ऑर्डर की है मैंने, और ये मैं कॉफ़ी में शुगर नहीं डाली हुई है तो मैं इसमें शुगर डाल लेता हूँ, ये प्री मिक्स नहीं है। और दिस इज़ चाय, स्वाति ने चाय ऑर्डर की है, हमने एक पराठा भी ऑर्डर किया है, और दिस इज़ द कॉफ़ी। ये कितना अच्छा लग रहा है, ओहो इतनी टेस्टी कॉफ़ी है, क्या ही बताऊँ। पहाड़ों पे ऐसी चीज़ मिल जाए। सो गाइस, वी आर चेकिंग आउट। चेकआउट का टाइम हो गया है और मैं बिल क्लियर कर रहा हूँ जो कल हमने खाया पिया था अला कार्ट में। एंड यहाँ पे दे आर आस्किंग कि हम रिव्यू कर दें उनके सामने और उनको 5 stars दे दें, विच इज़ नॉट रियली गुड। ये हमारी मर्ज़ी होनी चाहिए, हमने क्या देना है। टाइम टू लीव, हमने कार वॉश करवा ली है
हमारी XUV 700 चमक गई है, ग्लोइंग, रेडी टू रॉक एंड रोल। गाइस हम निकल पड़े हैं अपने घर दिल्ली की तरफ। बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा है, बट क्या करें, रूम रेंट ही इतना है कि एक महीना तो रुक नहीं सकते हैं, 3-4 दिन में ही जाना पड़ रहा है। हे गाइस, जस्ट अभी घर पहुंचा हूं और रात के 11 बज गए हैं। वहां से 12 बजे निकले थे दिन में, सो वेरी वेरी टायर्ड, बहुत थक गए हैं। अब तो बस बेड चाहिए और आराम करना है। ऑफ टू टायरिंग, बहुत लंबी जर्नी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।